दिखाई दे रहा हूँ क्या लाइव? वीडियो चल रही है क्या? रुको, वीडियो चल रही है क्या? देखो है ना, आ गया ट्रिपल लेगी, पहले से कट ट्रिपल लेगी, पहले से कट ट्रिपल लेगी। हाँ, ऐसे बात है। हाँ, ऐसे क्या करोगे? आज मेरे से बता, जैकलिन फर्नांडिस और ऐश्वर्या आई थी, दोनों ने भी बोला यूट्यूब लाइव सेशन में। कितना लकी हूँ ना मैं। चलो हम लोग पहले आरटीपीए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, फोकस करो बच्चों स्क्रीन के ऊपर। हस्तप्रत लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। आपको क्या करना है, आप जब क्वेश्चन रीड करोगे एग्जाम के अंदर, आपको बहुत ज्यादा फास्ट क्विक रिस्पांस देना है। हम लोगों ने फाउंडेशन लेवल में एक चीज पढ़ी है कि अब सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन इफ इट इज प्राइवेट इन इट्स आर्टिकल शैल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी, राइट? ओके, हस्तप्रत लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसके पांच डायरेक्टर है इन इट्स बोर्ड, which includes two independent director. ठीक है, हमको दिया है पांच है, दो independent director है, चलो ठीक है। संकुल private limited is the subsidiary company of हस्तप्रत limited, actively carrying on its business, having paid up share capital of 1.5 crore with 40 members and turnover of 18 crore respectively, and the said company is not a startup company. Okay, very good. In the context of aforesaid case scenario, please answer the following questions. क्या संकुल लिमिटेड को मैंडेटरली रिक्वायर्ड है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करे? प्रोवाइड योर आंसर बाय एनालाइजिंग इनटू फॉलोइंग कैटेगरी: ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट कंपनी, रिस्पेक्टिव। ओके, तो अभी हमको एक चीज तो मालूम, देखो मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट देखते एक चीज समझ में आ गई, एक चीज देखते समझ में आ गई, इसके अंदर इसका आंसर है हाँ। क्यों हाँ, देखो मैं आपको बता दूँ, हम लोग ना काफी रिसर्च बेस्ड स्टडी करेंगे। ये देखो आपको दिखा दूंगा किधर गया, वाईफाई नहीं चल रहा है। आपके पास मॉड्यूल है सबके पास? आई ओपन दी मॉड्यूल, मॉड्यूल है सबके पास? नहीं है? ऑनलाइन मॉड्यूल्स खोलेंगे, सब लोग मॉड्यूल खोलो। सर आपको आंसर कैसे मिला? देखो हम लोग होशियार पंती नहीं करेंगे, हम अपने आपको होशियार मानेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, मॉड्यूल में हर आंसर दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर भी सोल्यूशन दिया है नीचे, बट मैं शॉर्टकट नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ मॉड्यूल में प्रोविजन देखने के लिए। तो मैं लॉ की ओपन कर रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर कौन सा अपना, अकाउंट्स एंड रजिस्टर वाला क्वेश्चन लग रहा है, यस वालो? ऑनलाइन बच्चों सबको समझ में आ गई सबको बात? यस, ये है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी। मैंने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की फाइल अपने फोन में ओपन कर लिया, आप वो लोग भी आप घर पे जो बैठे अपने अपनी मॉड्यूल्स ओपन कर लो। हम लोग आते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर। हम लोग को मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है? बराबर, अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 129 के अंदर, बराबर? कैन यू सी एग्जम्पशन? एग्जम्पशन फॉर प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, दिख रहा है? देखो मॉड्यूल में है कि क्वेश्चन में भी यही दिया, खोला सबने मॉड्यूल, यस। शैल बी रेड एज फॉलोज, ये सब एग्जम्प्ट है, मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई साहब वन पर्सन कंपनी को नहीं करना है, स्मॉल को नहीं करना है, डॉर्मेंट को नहीं करना है, प्राइवेट को भी नहीं करना, ऐसा लिख रखा है? अच्छा, अब हम लोग आते हैं नीचे, तो आंसर हो गए। बट बच्चों इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर सजेस्ट किया, देखो स्क्रीन पे देखो, ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया वो ग्रीन कलर का सर्कल बना के? देखो हमारा आंसर बुक में है, सेम चीज दे रखी है उन्होंने। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी स्मॉल कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर कंसीडरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन संकुल प्राइवेट लिमिटेड, पहले आपको ये पता करना है कि इनके अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है। अब ओपीसी के अंदर कितने मेंबर होते हैं भाई? 40 है क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, यस। दूसरा,
स्मॉल कंपनी की कैटेगरी हम लोगों ने देखो कोविड के टाइम के हमने आपको बताया था पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ एंड ये आपका कितना होना चाहिए 20 करोड़। बीच में एंड क्यों आ रहा है? एंड बराबर। अच्छा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है इवन दो इट इज पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर। अच्छा मुझे एक बात बताना इसको स्मॉल कंपनी कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में एक्सेप्शन दिया था आप अगर किसी की होल्डिंग है सब्सिडियरी हो तो आप नहीं बन सकते। यहाँ पे बेसिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आता है डॉर्मेंट कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या है? डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट तो 2 साल से इसका तो चल रहा है। ओके प्राइवेट कंपनी अ कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी कंपनी नॉट बी प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। बताओ इजी है? यहाँ पे क्या होता है ना हम लोग देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा आपको मालूम है कट क्लियर मैं पेज नंबर के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको आरटीपी सॉल्व करना है ना आप लिखोगे आरटीपी क्वेश्चन नंबर 1 आंसर पेज नंबर 9.8 देखो दिया कि नहीं दिया। मैं अगर यहाँ पे आंसर दिखा देता तो आप हाँ में हाँ मिला देते आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं मॉड्यूल के अंदर आंसर दिखाऊंगा हर क्वेश्चन का आंसर मॉड्यूल में ढूंढेंगे चलेगा? ऑनलाइन बच्चों एंड यहाँ बैठे बच्चों सबको ये चीज समझ में। अच्छा मैं इसके 2 सेशन लूंगा क्योंकि आई एम कम्प्लीटली इल नॉट कम्प्लीटली इल बट हाँ थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हूँ। 2 सेशन में इसको कम्प्लीट करेंगे अपन। मेरा प्लान था कि आज ही एक सेशन में ले बट 3 घंटे का सेशन हो सकता है तो मैं पेज नंबर 9.8 क्वेश्चन नंबर 1 आरटीपी पेज नंबर 9.8 बच्चों इमेजिन करो एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आ जाए हम पास हो जाए। एक एक क्वेश्चन मैटर करते हैं ईमानदारी से। यस अभी अच्छा आपके पास ना बच्चों आपने ना हैंडी रखने क्वेश्चन आपके पास आरटीपी की पीडीएफ है तो ओपन रखो क्योंकि मैं बार बार स्विच कर रहा हूँ ना। चलो आ जाओ कोई नहीं तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा एकदम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया राइट। ऑप्शन ये नहीं। अमन एक इंजीनियर है इसने एक नई कंपनी शुरू की है विद द नेम ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। चलो ठीक है he got registered a company with the same name मतलब उसने अपना इंजीनियर है उसने अपनी कंपनी चालू की नट्स एंड बोल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसने उसको रजिस्टर भी करवा दिया। हाउएवर नट्स एंड बोल्ट्स इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ओले ये क्वेश्चन आ रहा है इनकॉर्पोरेशन से मैटर रिलेटेड स्टार्टिंग का चैप्टर से रिलेटेड लग रहा है ना। चलो आफ्टर 5 years when the owner of trademark ओ सर हल्की हल्की सी प्रोविजन याद आ रही है 5 साल के बाद जो ओनर है उसको याद आया ट्रेडमार्क के बारे में और उसने एप्लीकेशन फाइल किया रेलेवेंट अथॉरिटी के पास। क्या आप कंपनी को कंपेल कर सकते हो नाम चेंज करने के लिए? क्या ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को एंड नाम बदल सकता है एट इस डिस्कशन? चलो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हम लोग हर चीज मॉड्यूल के थ्रू करेंगे। ये आपको क्या लगता है चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 2 की पीडीएफ ओपन करो कर दी ओपन मेरी पीडीएफ ओपन हो रही है मैं आपको पेज नंबर के साथ बताऊंगा। यस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन नीचे 2 पॉइंट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम नेम क्लॉज यस पेज नंबर 39 पे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इफ थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लगता है या फिर यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने द नेम इज आइडेंटिकल तो कितना टाइम है आपके पास मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी बराबर इट में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज। ठीक है चलो अब ना हम लोग इंस्टीट्यूट के इसका आंसर सजेशन देखते प्लीज पे अटेंशन ऑन स्क्रीन अभी सेक्शन 16 Company shall give notice to ROC with the order of central government within 15 days of change. Can you see point number 2 in that? Yeah. Same there? Yeah. Same? Yes. Achha.
एज पर सेक्शन 13 कंपनी कैन एनी टाइम चेंज इट्स नेम बाय पासिंग एसआर. हमको ये भी मालूम है अल्टर करना है, एसआर पास करो, अल्टर कर लो. अच्छा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ओनर कितना टाइम में कर रहा है, 5 साल में करना है. उसने कितना टाइम में करना चाहिए था, 3 साल में करना चाहिए था. तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2.39. इजी, समझी बात सबको? और आपको मैंने बताया था कि आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, है ना? और कंपनी नोटिस देगा, बट एज पर सेक्शन 13 कंपनी चाहे तो अपना नाम बदल सकती है वॉलंटरीली. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दो चीजें पूछी. अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे बच्चों, तो क्वेश्चन के अंदर दे हैव आस्क्ड यू टू थिंग्स. एवरीवन फोकस ऑन दैट लास्ट पार्ट. लाइन क्या कह रही है? कैन द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन द कंपनी चेंज इट्स नेम एट इट्स डिस्क्रिप्शन? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस कंपनी चाहे तो वॉलंटरीली कर सकती है. समझ में सबको? पक्का? पक्का क्लियर है? डाउट क्वेश्चन क्वेरी यहां तक क्लियर है? अच्छा नीचे आ जाए. अभी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है. हमने पेज नंबर भी मार्क कर लिया. देखो, येलो लिमिटेड रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रेज्ड एन ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी. पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स नीड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड. सीधा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आंसर पे आते हैं. क्वेश्चन समझे आपको? पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं भूल गया, मैं क्लास में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ. तो एक कंपनी है बच्चों, येलो लिमिटेड. अच्छा उसके पास ना लेटर आया, कहाँ से आया? सेंट्रल गवर्नमेंट से आया कि भाई आपने पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करना है, बराबर, एंड कंप्लीट करना है ऑडिट. ठीक है. अच्छा डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन बोला कि हम तो अनलिस्टेड कंपनी है जी, हम पीरियडिकल रिजल्ट्स फाइल करने की गरज नहीं है. एग्जामिन करो. अब ये कौन सा चैप्टर करेगा बच्चों? अगेन पेज नंबर पे जाए, उसके पीडीएफ ओपन कर लो. ये भी सेक्शन 129 है. आपको याद है अपन ने बोल्ड वाला पार्ट एंड में किया 9.14. आगे 9.14 पे सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे प्रिसेप्ट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन सच पीरियडिकल बेसिस टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच फाइल. बच्चों एज इट इज उठा के क्वेश्चन बनाया. फाइल कॉपी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. ठीक है. देयरफॉर ऑब्जेक्शन इज एन अनलिस्टेड कंपनी नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड इज नॉट करेक्ट. इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा. समझ रहा सबको? पेज नंबर 9.14 क्वेश्चन नंबर 3 129 A. देखो इससे हमको एक आइडिया आता है इंस्टीट्यूट किन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है. ठीक है. पहला क्वेश्चन किसका था हमारा? 129 सेक्शन का था. 129 सेक्शन क्या कहते हैं कि ओबीसी डॉर्मेंट कंपनी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की गरज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की गरज नहीं है. बट इस केस के अंदर इन्होंने पूछा विद रिस्पेक्ट टू ये कंपनी का डेटा दे रखा है, ओबीसी है ये? नहीं है. क्या ये प्राइवेट है? नहीं है. क्या ये स्मॉल है? नहीं है. स्मॉल कंपनी का कौन सा पॉइंट लगाएंगे आप लगाएंगे पॉइंट की सब्सिडरी है ना. दूसरा क्वेश्चन क्या आया था हमारा? ट्रेडमार्क वाला. भाई देखो आपकी गलती है. आप 3 साल का टाइम था, 3 साल में आपने अप्लाई करना था. हमारा सम कंपनी लॉ का सेक्शन 16 ये कहता है कि हम लोग हमारे कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं अगर उसके अंदर सिमिलैरिटी आइडेंटिकल अगर हो रहा है या फिर उसका कनेक्शन है किसी नेशनल एम्बलम के साथ. पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर उनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा. बट अगर किसी ट्रेडमार्क के साथ रिजेम्बलेंस आ रहा है तो जो ओनर है ट्रेडमार्क का, जो मालिक है, उसके पास 3 साल तक का टाइम है. वो आए और गला घोटे हमारा. उसने नहीं किया 5 साल में, तो मैं कंपेल नहीं हूँ. बट वॉलंटरी कर सकता हूँ. यस एज पर सेक्शन 13 कर सकता हूँ. क्या अनलिस्टेड? देखो फटाफट ना आपने क्या करना है, घर पे जाने करना, खुद के क्वेश्चन बनाने.
क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है? नहीं, बनाना पड़ेगा। 129 नहीं बोला, समझा? एक लाइन लिख के लिखो, तो इससे आपको रिटेंशन रहेगा एग्जाम के अंदर, फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करके आंसर तो लिख पाओगे अगर भूल भी गए तो। समझा सबको? डाउट क्वेश्चन क्वेरी, ओके। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन इज माई फेवरेट क्वेश्चन। 14, उपकार निधि लिमिटेड वॉज अबाउट टू होल्ड एजीएम। ओहो, तो ये 88 से 122 की सेक्शन का लग रहा है, एजीएम की बात है ना। चलो, ऑन 25th August 2022, फॉर विच द नोटिस ऑफ एजीएम अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ले। ये तो नोटिस का ही है, ये तो समझ में आ गया। चलो, इन्होंने क्या क्या दे रखा है देखो। अ मेंबर इंडिविजुअली होल्डिंग शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ ₹800 which amounted to 0.16% of total paid up share capital। बच्चों बोर्ड के ऊपर दो बना के, उसके एरो बना के मैंने एक पॉइंट लिखा के देते इस क्वेश्चन का, याद आ रहा है? हल्का हल्का, चलो देखते हैं। मेंबर इंडिविजुअली कितना होल्ड कर रहा है? 0.16% ऑफ टोटल पेड अप शेयर। दो मेंबर जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं 0.32। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 मेंबर, अच्छा 50 नंबर वाला कुछ था, हल्का हल्का याद आ रहा है? कोई नहीं, मैं आपको प्रोविजन दिखाऊंगा, तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप फटाफट हमारा जो चैप्टर है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर दो। अच्छा, 42 मेंबर्स है इंडिविजुअली 0.12% शेयर होल्ड कर रहा है, एंड ऑल द रिमेनिंग मेंबर्स आर होल्डिंग इंडिविजुअली मोर देन 1.2% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। इन द एजीएम हेल्ड ऑन 25th August, द मेंबर्स वर नॉट प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ओ, इलेक्ट्रॉनिक मींस किसके लिए कंपलसरी होता है? 1000, याद आया? यस। इन कंटेक्स्ट ऑफ अफोरसेड सिनेरियो, प्लीज सजेस्ट वेदर उपकार निधि लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू सेंड नोटिस ऑफ एजीएम अलोंग विद 11 डॉक्यूमेंट्स टू ऑल इट्स मेंबर्स एज अफोरसेड। चलो मैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल ओपन करूं? यस, आप लोगों ने भी कर ली। चलो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, माफी भाई, हम लोग हैप्पी बर्थडे तेजल, हैप्पी बर्थडे तेजल, हैप्पी बर्थडे तेजल, यूट्यूब पे लाइव बोलूंगा तेजल, हैप्पी बर्थडे तेजल। चलो देखो, आपकी एग्जाम हो जाएगी और मेरी शादी भी हो जाएगी, बोलने में क्या जा रहा है? सपने सुहाने लड़कपन के। यस, नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन 101 है ना, एज पर रूल 18 दिख रहा है आपको, है ना? मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल मीन एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन एड्रेस टू पर्सन अटेंडेड टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट लास्ट ईमेल, है ना? ईमेल के द्वारा करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे नीचे आएगा बच्चों, मीटिंग हेल्ड एट शॉर्टर नोटिस में भी नहीं आएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आगे जाते हम लोग, आगे जाते कोरम में नहीं आएगा, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, प्रॉक्सीज अपना सेक्सी वाला हुआ है, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मील 108 पे आते हैं, ठीक है? यहाँ पे निधि कंपनी ढूंढो, पेज नंबर 7.35 के आसपास, निधि की कंपनी, हाँ ये रहा पेज नंबर 7.36 एंड 35 का एंडिंग, 7.36 एंड 35 का एंडिंग, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बच्चों ये क्वेश्चन किसका है? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखो, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर विच नोटिस आर इश्यूड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। Every company which has listed its equity shares on recognized stock exchange and company having not less than 1000 member shall provide to its member facility to exercise right to vote on resolution proposed to be considered by electronic means। मतलब क्या, 1000 के ऊपर है तो electronic means। चलो तो एक काम करो ना, अभी आप इतना पढ़ने के लिए इधर बैठे ही हो तो टॉप मार्जिन पे अपने आप को याद दिलाने के लिए क्यों नहीं लिख लेते कि 1000 लोग के ऊपर रहेगा तो electronic means है।
देखो एक की पॉइंट है बच्चों, हम कुछ भी छोड़ेंगे क्या? लेट अस नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, राइट? नेक्स्ट, अनिधि और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेफर्ड इन चैप्टर 10B और चैप्टर 10C ऑफ सेबी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ओके, अब आता है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल. निधि मीन्स अ कंपनी जो कल्टीवेट करता है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग. अपने को आता है फाउंडेशन में क्या था? अच्छा, एक्सप्लेनेशन टू, नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खत्म 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 खत्म, नोटिस एल ए तो खत्म हो गया. चलो आंसर देखते हैं. सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन दैट इन केस ऑफ मेंबर इफ एन इंटीमेशन सेंड हियर उपकर लिमिटेड वाज ओनली रिक्वायर्ड टू सेंड नोटिस ऑफ एजीएम एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू मेंबर्स हु इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000 और 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच एवर इज लेस. उपकर लिमिटेड would have sent notice and other relevant documents to only following category of members. Two members jointly holding shares of 1600.32% and all the remaining members holding 1.2%. For the category of members in serial number 1 and 3 of the aforesaid table given in the case scenario, it would have been sufficient compliance if an intimation for the AGM was sent in the newspaper as per provisions and there was no need to send the notice of AGM along with relevant documents to such category of members personally. क्यों ऐसा? ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट मैंने आपको लिखा के दिया यार, हजार और एक वाला. अपने नोट्स में ना मैंने ऐसे दो डायग्राम बना के लिखा के दिया, व्हिच एवर इज लेस. आई रिमेम्बर राइटिंग इट ऑन द बोर्ड. ये वाला पॉइंट ये आपके मॉड्यूल में यहाँ पे दे रखा है मैंने. दबंग में भी क्वेश्चन है इसका, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो लिखोगे कि अलाउड नहीं है. पेज नंबर 7.36 में इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर दे रखा है. अच्छा, 7.36 9.51 पे दिया क्या ओमकर? ओमकर 9, मेरे को 9 दिख रही थी. रुको देख लेते ना, मैं लिखा है, मैं कह रहा हूं ना आप लोग को, अपने इसमें गेम ऑफ लॉ में देखो, गेम ऑफ लॉ में फाइव सिक्स ये रहा. इन केस ऑफ निधि कंपनी, सुनो, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द केस ऑफ मेंबर्स हु डू नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000 रुपीस इन फेस वैल्यू और मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज लेस, इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन इफ एन इंटीमेशन इज सेंड बाय पब्लिक नोटिस. यस, ये वाला पॉइंट, वेरी गुड. कट करो, आंसर लिखो 9.5 लिख दिया सबने. लिख दिया. तो इस बार अगर आप देखोगे आरटीपी के अंदर तो इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आ गए, दो या तीन, तीन क्वेश्चन आ गए. चलो आगे बढ़े, कर दिया, लिख दिया सबने पेज नंबर. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. आंसर द फॉलोइंग, यही है ना क्वेश्चन, साइटिंग रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. वायर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 crore अवेल्ड अ टर्म लोन. अच्छा, लोन डिपॉजिट्स, हाँ डिपॉजिट, टर्म लोन ऑफ रुपीज यूनिट 10 lakh है ना, फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड टू परचेज इलेक्ट्रिकल आइटम्स. मिस्टर तार वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज ऑफ द ओपिनियन दैट इट शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. इज हिज कंटेंशन करेक्ट? अ गवर्नमेंट कंपनी इज एलिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सीडिंग 25% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फॉर रिजर्व एंड सिक्योरिटी पेमेंट. इज दिस करेक्ट? बच्चों मेरे मन में रूल 3 आना चाहिए, मेरे मन में आना चाहिए वो पूरा टेबल, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. अभी बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले दो तीन पॉइंट के अंदर पहले का आंसर दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर,
जिन बच्चों ने सनराइज बैच का वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने क्या था, ओपन करो योर मॉड्यूल्स फॉर डिपॉजिट, आई थिंक इट इज देयर इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट ओनली इसका आंसर दिया है. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज की फाइल ओपन कीजिए सब लोग. आप लोग पेज नंबर लिख रहे हो ना, घर पे जाके फिर से रीसॉल्व करो सारे पेपर को. ओके चलो मैं फाइल ओपन कर रहा हूं. अमाउंट्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट पेज नंबर 5.3 पे आते हैं. रूल 2(1)(c) एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब हमने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लिया या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जोशी जी आप इस कंपनी को उधारी तो हम गारंटी लेते हैं, नॉट अ डिपॉजिट. दूसरा विदेशियों से पैसा लिया, नॉट अ डिपॉजिट. देन आफ्टर हमने देखा एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडियरी इज नॉट अ डिपॉजिट. एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ लोन और डिपॉजिट. Everyone, it is not correct, it is not a deposit. क्या हमारा यही 2(1)(c) के अंदर थर्ड पॉइंट दिया हुआ है? लिख दिया सबने, लोन लिया ना? बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरा वो वीडियो देखा नहीं, कितना नहीं देखा मेरे को वीडियो, दो वीडियो थे 30 मिनट्स के, मैंने सारा क्विकली किया है. अगर आप उसको 1.5 की स्पीड से करोगे ना तो आपका 15 से 20 मिनट में दोनों, आधे घंटे मैक्स दोनों मिनट डिपॉजिट को हल्के, मतलब रूल 3 की प्रोविजंस भूल गया मुझे बता ना. एक मिनट एक क्वेश्चन पूछता हूँ. डिपॉजिट मिनिमम कितने पीरियड के लिए लूंगा मैं? 6 महीने, मैक्सिमम 36 महीना. 6 से नीचे जाना है तो 3 तक जा सकता हूँ, 3 से 6 के बीच में 10% ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. अगर मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी हूँ तो 10% और 25% उठाऊंगा मैं पैसा, अगर मैं सरकारी कंपनी हूँ तो 35% पैसा उठाऊंगा. क्या ये बात हमको पता है? As per rule 3(5), the amount of deposits, ये भी correct नहीं है, 35% लेगी ना, ये rule 3 का है ना, ये rule 3 लिखेगा, बराबर? आप लोग क्या लिखोगे? Question number 15, 15 है ना, मतलब fifth question है, fifth question है, इसका page number 5.3.3 उसका point number 3 and ऑप्शन नंबर 2 यानी बी का आंसर है रूल 3. रूल 3 लिख दो आपको समझ में आ जाए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चा डाउट क्वेश्चन है वो भैंस की आंख. अच्छा कुछ नहीं, कुछ याद आया मुझे. कहाँ जाऊंगा मैं? घर जाता हूँ, बिस्तर पर पड़ता हूँ, आंख बंद हो जाती है. सुबह जल्दी उठते इधर तुपड़ा तुपड़ा तो चला लो. रैड लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2020. द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़, नेट प्रॉफिट आफ्टर ये तो 135. The company proposed करती allocate करने के लिए minimum required amount for CSR activities to be undertaken. If it is mandatory, you are requested to advise company in this regard and compute the minimum amount to be allocated. If so, required to taking into account relevant provisions of company. 2%. जाओ रे. मैंने नहीं बताना. Dividend का chapter number 8. File open करो. Let us stick to basics. We'll open each and every chapter का file so that हम लोगों को क्या कहते हैं घमंड ना रहे कि मुझे आंसर ओर लिया. समझ आ रहा आपको? पेज नंबर 135, पेज नंबर 135 का है, सेक्शन नंबर 135 का. अरे सॉरी सी एस आर, मैं गलत. हाँ मैं गलत. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, सॉरी. मेरे मामा का पर्स जैसे अस्पताल की तो प्यारी ना. सीएसआर पे आ जाओ, मैंने डिविडेंड कॉल दिया. सीएसआर पे आ गए सब बच्चे.
नींद में गए मेरे दुश्मन, जाओ रे। अरे ऐश्वर्य कौन है? हर सलमान एक ऐश्वर्य तो डिजर्व करता है। राम के साथ आई है, बताओ तेरा बड़े बजा दो। ओह मैंने करना है। ए ले तू तो खत्म हो गया इसमें तो। ये कंपनी लो पूछ पूछ के इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सारे एक ही चैप्टर से पूछ लिया। मतलब क्या है इसमें से शायद नहीं आएगा। अरे देखो मैं स्टूडेंट था ना, मेरे को डर लगता था जिससे ज्यादा पूछा नहीं इसमें से नहीं आएगा। ठीक है चलो कुलकुलेट करते हैं। प्लस बच्चों स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। द नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सम एज यू प्रिस्क्राइब। चलो इन द इंस्टेंट केस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रेड लिमिटेड इज 7 करोड़, हेंस रेड लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी। आपको मालूम है 5 करोड़ क्रॉस किया तो CSR कमिटी बनानी पड़ती है। ओके मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 2% का होगा, बराबर 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट सिंस इनकॉर्पोरेशन इज 5 + 7 / 2 इक्वल्स टू 6। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 6% का 2% यानी 0.12 लाख। क्या पूछ रही इंस्टीट्यूट? Why would you do this, babe? है ना? Not expected this from institute. हमारे बच्चों को जो चैलेंज नींदे उड़ा दो इंस्टीट्यूट। चलो आते हैं नेक्स्ट चीज पे। मिस्टर सलील परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर पूरन ऑन क्रेडिट, उधारी पे लिया। कॉन्ट्रैक्टर गारंटी श्योरिटी क्या बोलते हो देखते हैं। मिस्टर रमन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ले पूरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के गारंटी में एंटर किया ऑफ पेमेंट बाय मिस्टर सलील। ऑन ड्यू डेट मिस्टर सलील कुड नॉट मेक द पेमेंट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरन ने केस फाइल किया रमन के ऊपर। मीनवाइल बाऊजी सलील के ₹20,000 दे दिए। किसको? पूरन को, अपने बेटे के ब्याह पे। याद आ रहा है कि मेक गुड करते हैं। यस मिस्टर रमन इन इग्नोरेंस, मिस्टर रमन इन इग्नोरेंस ऑफ अबव पेमेंट पेड 1 लाख टू पूरन। आफ्टरवर्ड्स रमन न्यू द फैक्ट्स, ही आस्क्ड पूरन। मतलब क्या हुआ है देखो, मैंने तेजू से उधारी, मेरे मित्र हार्दिक ने बोला कि अगर तू नहीं भर पाया तो मैं भर दूंगा, बराबर। अब तेजू को उधारी दे नहीं पाया, मेरे बाऊजी ने तेजू को 20,000 दे दिया, हार्दिक ने तेजू को ₹1 लाख दे दिया। समझ में आ रहा? रमन को पता चला तो उसने रिफंड मांगा, तेजू ने मना किया। क्या वो रिफंड कर सकता है? ऐसे क्यों करना पड़ेगा? जाने जाती है तेरी रैंड ऑफ। देयरफॉर ही कैन क्लेम द रिफंड। अरे आंसर वही है ना, ऊपर तो पोपट मच्छी ध्यान दिया ना। 120 The liability of surety is coextensive with that of principal debtor, unless otherwise provided. In other words, surety is liable for all those amounts the principal debtor is liable for. इस केस के अंदर ज़्यादा कुछ उन्होंने पोपट पंची ज्ञान दिया ही नहीं है। इन्होंने सिंपल स्ट्रेट मुंह पे क्वेश्चन का चमाट मारा है। देखो आप में से कितने बच्चों को जब आरटीपी का डिस्कशन होगा तो ऐसा लगा था कि आरटीपी करने वाले हैं। अब कैसे लग रहा है? आरटीपी है ना? ऐसे क्यों? खत्म जंगल में कांड हो गया। मेरा फेवरेट गाना है। ए आजा, ए काजल, शाहरुख, आमिर, सलमान किधर है यार? अच्छा मैं इधर खड़ा हूँ। हाँ 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 क्या कर दिया। ध्यान दो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन payable to Amir or order, ठीक है? Amir ने उसको किसको दिया? रानी को दिया। रानी ने किसको दिया? काजल को दिया। काजल ने दिया शाहरुख को। शाहरुख ने दिया माधुरी को। माधुरी ने घुमा के दे दिया आमिर को। एक मिनट, क्या ये थोड़ा
हर्षिता बता, रात को 2:30 बजे पढ़ना है? अब अपन ने इसका डायग्राम बनाया था, इसका सब याद है। हाँ, यहाँ पे आपकी पढ़ाई समझ में आ रही है? आ गए पुलिस वाले, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन पे देखो, मैंने बाय बैक नेगोशिएशन बैक हुआ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सीरीज में जितने भी लोग हैं सबकी उधारी माफ। व्हाट इज आईसीआई डूइंग? कुछ अजीब नहीं लग रहा ओमकार? तूने खुद से तो नहीं बनाया ना आर्टिकल? माला हा क्वेश्चन आवड़ला है ना। ध्यान देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, जिनको याद नहीं आ रहा ध्यान से सुनो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर्कुलेट हुआ, नेगोशिएट बैक हुआ, एंडोर्सर या प्रायर पार्टी के द्वारा, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। द पर्सन हु बिकम्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर दिस नेगोशिएशन बैक कैन नॉट मेक एनी फर्दर एनी ऑफ द इंटरमीडिएट एंडोर्सर्स बैक फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आमिर ने बनाया, घूम फिर के आमिर के हाथ में ही गया, आमिर किसी को लायबल ठहरा नहीं सकता। याद आया सबको? बट सैंस रिकॉर्ड लिखा मतलब क्या? लायबिलिटी मुक्त हूं मैं, बराबर। इन द गिवन क्वेश्चन इट इज क्लियर आमिर बिकम द होल्डर। इन नॉर्मल सिचुएशन नन ऑफ द इंटरमीडिएट पार्टी वुड बी लायबल टू आमिर, बट इन गिवन प्रॉब्लम और आमिर ओरिजिनल एंडोर्समेंट इज सैंस। लिखा नहीं था क्वेश्चन में? लिखा था क्या? मैंने फिर ओवरसी कर दिया रहेगा, ये एक चीज ओवरसी कर दी मैंने। कहां पे लिखा? हाँ, लास्ट में साइंस रिकॉर्ड लिखा। यस, अब ध्यान दो, साइंस रिकॉर्ड, साइंस रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? मेरी लायबिलिटी नहीं है, राइट? ध्यान दो, बट इन द गिवन प्रॉब्लम आमिर्स ओरिजिनल एंडोर्समेंट इज सैंस रिकॉर्ड एंड देयरफॉर इज नॉट लायबल टू रानी, काजल, शाहरुख एंड माधुरी, बट इफ विल इज नेगोशिएट बैक टू आमिर, ऑल ऑफ देम आर लायबल टू हिम एंड ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ देम। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था। यस, नेगोशिएशन बैक होता तो खत्म, बट यहाँ पे साइंस रिकॉर्ड लिखा है, इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी का आप वापस से क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आमिर क्लेम कर सकता है ना, समझ में आ सबको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान पेपर लग रहा है। नहीं बच्चों देखो, अगर आसान पेपर में भी अगर आप अटक रहे हो, एम ओन द लैंड विद 50 टैमरिंड ट्रीज, ही सोल्ड हिज लैंड, जीसीए का लग रहा है क्या? हाँ, ये बुक का एग्जांपल है आपकी मॉड्यूल का। एम ओन द लैंड विद 50 टैमरिंड ट्रीज, ही सोल्ड हिज लैंड एंड टिम्बर टू एन आफ्टर कटिंग 50 ट्रीज। एम वॉन्ट्स टू नो whether the sale of timber amounts to sale of immovable property. Please बच्चों, GCA के अंदर एक मिनट ढंग से देखो, exclude क्या करता है दिया है, मैंने आपको ये बताया, immovable property की definition ही दी है, exclude क्या करता है दिया है, करो open, आलस मत करो। मच्छी मेरे भैया, आनंद भैया कान से थे भैरे, गए किधर? ओरिसा। तेजू लक्ष्य नहीं तुम सर, वेल बच्चों, मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये बोला था कि जनरल प्रोसेस एक्ट ने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया है, उन्होंने बस इतना बताया कि इमूवेबल क्या नहीं है। 3.15 बच्चों, ए बाबू सनल, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स, बराबर। अच्छा अभी सुनो ना मेरी बात, ऊपर इधर नहीं ऊपर ना, हाँ, एन एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक टेंडू लीव्स, टिम्बर, बांबू एक्सेट्रा, द सॉइल, लैंड फॉर बिजनेस, leaves from trees in further are included in the term immovable property. ठीक है, अब ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, immovable property के बारे में ऊपर भी दे रखा है, starting में दिया है ना,
हाँ दिया है ना ऊपर पेज नंबर 3.4 पे ना, इमोबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड बेनिफिट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म एक्सेप्ट एज टू से इमोबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, स्टैंडिंग टिम्बर है, जाते आंसर देखने 19वें प्रश्न पे, लैंड बेनिफिट्स टिम्बर कैन नॉट बी इमोबल प्रॉपर्टी सिंस द सेम आर नॉट अटैच टू अर्थ, बराबर बराबर। डाउट क्वेश्चन क्वेरी, लैंड इज इमोबल प्रॉपर्टी हाउ टिम्बर नहीं है, आपको पेज नंबर 3.4 पे इसका आंसर देखने को मिलेगा। समझ में बात सबको, मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन नहीं दिया है, फिर अपन ने क्या किया था ये पेज से जाके सीधा आगे गए थे अपन, आनंद भैरा वाला केस लॉ देखा था। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है सुपर सेक्सी, व्हेन कैन द प्रीएम्बल बी यूज्ड एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। प्रीएम्बल क्या करता है बच्चों, प्रीएम्बल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इवन इफ यू रिमूव दोज वर्ड्स द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज। याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था कुछ वकील लोग बोले कि फलाना ढिमका नंबर हटा दो प्रीएम्बल में से, प्रीएम्बल हमको आइडिया देता है कि अंदर क्या है। देखो एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इट कैनॉट बी यूज टू कंट्रोल और क्वालिफाई द प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज ऑफ एनएक्टमेंट। Preamble is the key to the mind of the maker of the law, but it cannot override in order to enlarge or restrict enacting provisions of the act. आपको एक basic idea देता है, preamble इतना important नहीं है, main चीज क्या है बच्चों, अंदर का मसाला। समझ में आया सबको, ये आपको आपके मन से लिखना है, पता है ना आपको ये? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ एक टिप दू, जनरल प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मॉड्यूल के पीछे का क्वेश्चन, बुक के अंदर के क्वेश्चन आर मोर देन इनफ, उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। कल ना ओमकार, देखो मेरे साथ तो ओमकार जुड़ा हुआ है, मेरे को मैसेज करता है, डाउट पूछता है, उसको ऑडियो मैसेज में रिप्लाई भी देता हूँ, यू कैन आस्क हिम। वो मुझे बोलता है सर इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा, मैं ऑडियो मैसेज भेजता हूँ, सर इसका मीनिंग ऐसा है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो। आप में से कोई भी नहीं कर रहा, स्टार्ट डूइंग दैट। प्रांजल आने वाली थी, प्रांजल आई नहीं। प्रांजल बेटा मैंने आपको कितने सारे ऑडियो मैसेजेस भेजे थे, पूछ लो उसको। मैंने पूछा भी था ना आप में से किसी को प्रांजल आई है क्या, उसको डाउट है। नॉट स्टडिंग लॉ द वे यू शुड, थोड़ा बहुत दिख के आ रहा है, आपको ब्रशअप करना पड़ेगा एक बार ढंग से। यू हैव टू गो थ्रू द मॉड्यूल्स वंस प्रॉपरली, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर आप मार्क्स कम लाओगे तो आई फील बैड, ठीक है। यू हैव ऑल द बुक्स प्रोवाइडेड बच्चों, वो जो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने गूफ अप किया था, मैं गलत चैप्टर का समझ बैठा था, यार मेरे को याद नहीं आया, अपनी गेम ऑफ लॉ के अंदर दे रखा है, चार्ट बना के दिया है यार। यू आर नॉट स्टडिंग द वे यू शुड, एटलीस्ट 1 or 2 hours आपको देने हैं। क्या हमारा आई थिंक लेस देन 40 मिनट्स के अंदर मॉड्यूल के पेज नंबर पे जाके हमने सॉल्व किया। बच्चों कौन बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आता है, सब बुक के अंदर से आता है। तुमको ये वाला 135 वाला सेक्शन सीएसआर का तो 2% है तुमको मालूम है, एवरेज निकालना होता है, क्या डिफिकल्ट है यार इसमें, बराबर। रीड एंड राइट प्रैक्टिस करो, डाउट आता है मेरा 8833002968 वाला नंबर है, पिंग करो उस पर, रात को 10-11 बजे में रिप्लाई देता हूँ मैं, ऑडियो मैसेज पर कंटिन्यूसली बात करता हूँ। संडे वाले दिन तो मैं बहुत देर तक बातें करता हूँ, अभी तक सिर्फ 2 मिनट से मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। समझ में सबको क्लियर है, सॉल्व हो गया। अमेंडमेंट्स का सेशन मैं रखूंगा मंडे या ट्यूजडे इवनिंग को, मोस्ट प्रॉब्ली सारी अमेंडमेंट बताऊंगा। अमेंडमेंट के सेशन के टाइम पे ऐसे ब्लैंक मत आना, इंस्टीट्यूट की मॉडल कैरी करना, वहाँ पे कट कर देना, अमेंडमेंट लिख देना। समझ में आया सबको, सी ऑल जब भी अपन मिलेगा, है ना। वीडियो लाइक किया क्या, देखता हूँ कितना कितने साफ पाल रखे देखते हैं, है ना। सेम बेटा 5 बजे ही रहेगा, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स अब तो देखते ही हो ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर भागते रहते हो, है ना। कर दे।